अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं से विचार से भरे होते हैं तो अच्छे और प्रेरक विचार पैदा कर नहीं पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानिए तो जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुकलेस में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत है कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत होंगे। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हमें पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों को ढेर को करीने से बुकलेस की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने ला कर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है।